रेप की कोशिश करने वाला आरोपी करता था टॉर्चर, पुलिस करवाती थी समझौता, दलित नाबालिग ने किया सुसाइड। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बार फिर पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। यहां एक दलित नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने रेप का प्रयास किया। पीड़ित परिजनों ने स्थानीय थाने पर इसकी तहरीर दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन सभी को दिन भर थाने पर बैठाए रखा और शाम को सुलह करवा दिया। घटना के बाद कार्रवाई न होने से आहत दलित नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर कई थानों की फोर्स बुलाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए शव देने से इनकार कर दिया। परिजन उच्च अधिकारियों को गांव में आने की मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि यूपी के बाराबंकी में एक 16 वर्षीय दलित किशोरी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि रेप के प्रयास के बाद आरोपी के साथ पुलिस ने समझौता करवा दिया। कार्रवाई न होने से आहत लड़की ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव का है। यहां बुधवार की रात 16 वर्षीय किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार की सुबह उसकी मां ने जब दरवाजा खोला तो किशोरी का शव छत में लटका हुआ पाया। शव देखकर घर में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजनों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान के मौके पर आने के बाद परिजनों ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने घटना की सूचना हैदरगढ़ पुलिस को दी। पीड़िता की फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की सूचना से कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा तो रोते बिलखते परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी युवक और इस मामले में ठोस कार्रवाई न करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न होने तक वह पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। साथ ही साथ कहा कि पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी आकर कार्रवाई का आश्वासन दे तभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। रोते बिलखते परिजनों ने बताया कि किशोरी लघु शंका के लिए उठी थी। इसी दौरान गांव का सोनू नाम का एक युवक उसका मुंह दबाकर थोड़ी दूर पर खाली पड़े मकान की टीन शेड के नीचे उठा ले गया। यहां उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया लेकिन किशोरी के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। मामले की तहरीर हैदरगढ़ थाने में दी गई लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई कर उसे छोड़ दिया, जिस पर परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई थी। एसपी के आदेश पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही थी जिससे आरोपी के हौसले बुलंद थे और वह गांव में घूम घूम कर पीड़िता का और उसके परिवार का मजाक उड़ाता था जिससे किशोरी आहत थी। आरोप है कि इसी के चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।